शुभ मध्यान बच्चों हिंदी में हम कर रहे हैं कविता ऊंट चला तो हमने ऊंट चला को रीड कर लिया है यानी उसको पढ़ लिया है और उसके बाद हमने उसके शब्द अर्थ भी कर लिए थे आज हम उसमें से कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे तो हमारा पहला प्रश्न है किन किन चीज़ों की मदद से हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं तो आपने कविता में कुछ पंक्तियाँ पढ़ी थी जिसमें लिखा था इतना ऊंचा ऊंट चला ऊंट चला भाई ऊंट चला तो आपने इन पंक्तियों से समझा था कि ऊंट जो है वो ऊंचा होता है तो अगर इतना ऊंचा ऊंट है तो उस पर चढ़ने के लिए आप किन चीज़ों की मदद लेंगे तो हम काठी और सीढ़ी की मदद से हम ऊंट पर चढ़ सकते हैं तो बच्चे काठी क्या होती है एक हम काठी बोलते हैं लकड़ी को और कई बार आपने जब जानवर देखे होंगे जैसे घोड़े हो गए ऊंट हो गए इनकी पीठ पर एक चमड़े की जीन कसी हुई होती है कपड़ा सा होता है जिससे उनकी पीठ को ढका जाता है और उसके नीचे लकड़ी होती है जिसपे पैर पैर रख कर आप ऊंट की पीठ पर चढ़ सकते हो या घोड़े की पीठ पर चढ़ सकते हो तो उसे भी काठी ही कहा जाता है तो हम काठी और सीढ़ी की मदद से ऊँट के ऊपर चढ़ सकते हैं हमारा अगला प्रश्न है बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है तो बालू रेत को ही कहते हैं तो बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है बालू या रेत रेगिस्तान में रेगिस्तान आपको पता है ऐसी सूखी ज़मीन जहाँ सब कुछ बंजर होता है बिल्कुल रेतीली मिट्टी होती है उसे हम रेगिस्तान कहते हैं ये बहुत गर्म जगह होती है तो रेगिस्तान में नदियों तथा समुद्र के किनारे पर भी मिलती है तो नदियों में नदियों के जो किनारे होते हैं उनमें भी आपको रेत दिखाई देगी और समुद्र के किनारे पर भी रेत जो है वो देखने मिल जाएगी तो बालू या रेत रेगिस्तान में नदियों तथा समुद्र के किनारे पर मिलती है तो यही दो प्रश्न आपको करने हैं धन्यवाद